हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक सुपर कमांडो ध्रुव की एक धमाकेदार सीरीज, सिटी विदाउट ए हीरो सीरीज। ये दोस्तों मेरी भी फेवरेट सीरीज है, जिसमें चार कॉमिक्स है, कोड नेम कोमेट, ब्रेकआउट, मैक्सिमम सिक्योरिटी और लास्ट स्टैंड। इसके लास्ट पार्ट में आपको सुपर कमांडो ध्रुव के अलावा और भी सुपर हीरोज़ देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों, इस सीरीज में मैं अपना कॉमिक्स पढ़ने का पैटर्न भी कुछ बदल रहा हूँ। मैं आपको इसमें स्टोरी पढ़ने के साथ साथ एक्सप्लेन भी करूँगा, तो अगर आपको ये तरीका पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि इस तरीके को मैं आगे भी कॉमिक्स में कंटिन्यू कर सकूँ। चलिए शुरू करते हैं इस सीरीज की पहली कॉमिक्स, कोड नेम कॉमेट, सुपर कमांडो ध्रुव। एम्स्टर्डम, नीदरलैंड्स। अब दोस्तों, इसमें सबसे पहले हमें दिखाया जाता है एम्स्टर्डम, जो कि नीदरलैंड्स में है। इसमें दिखाया जाता है कि एक कमांडो है जो किसी से फ़ोन पर कनेक्ट है, और फ़ोन वाला कनेक्टिंग पर्सन पूछता है, फायर स्टार टू कॉमेट, क्या तुम वहाँ पहुँच चुके हो? तब जो ये शख्स है जिसका नाम कॉमेट है, वो अपनी ज़िंदगी में उलझा रहता है। पहले वो अपने बारे में याद करता है कि हाँ, ये कॉमेट एक कोड नेम मुझे मिला हुआ है, जो कि एक यूरोपियन प्राइवेट स्पाई एंड ला एजेंसी ने दिया हुआ है, जो जासूसी का काम करती है। इसका एक सबसे खतरनाक कमांडो है ये, जिसका नाम कॉमेट है। इसे हमें इसकी बातों से, जो ये मन में सोच रहा है, उससे पता चलता है कि इसकी याददाश्त जा चुकी है और ये केवल एक अपने मिशन के बारे में ही जानता है। इसको सिर्फ इतना याद है कि यह एक मिशन के दौरान इस टीम को मिला था, जिस वक्त इसके शरीर में बहुत सारी गोलियां लगी थी और यह मरने की स्थिति में था। इसके बाद यह उस शख्स को फ़ोन पर रिप्लाई करता है कि हाँ, मैं पहुंच चुका हूं, मुझे अंदर की स्थिति की जानकारी दीजिए। तब वह शख्स उसको रिप्लाई करता है कि अब तुम्हें सावधानी से काम करना होगा, तुम्हें उन्हें तुम्हारे वहाँ पहुँचने का आभास नहीं होना चाहिए। तब वह फ़ोन पर आदमी कॉमेट को अंदर की स्थिति की जानकारी देता है और बताता है कि वहाँ यह 42 फ्लोर वाली बिल्डिंग है, जिसमें 8-8 के ग्रुप में अत्याधुनिक हथियारों के साथ लोग मौजूद है, और उन्होंने एक बच्ची को 32वें फ्लोर पर किडनैप करके रखा है, जिसे बचाने ही ये लड़का कॉमेट यहाँ पर आया है। इस इमारत की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हाई है, और अगर इसने रोप वे का इस्तेमाल करने की कोशिश की तो यह तब भी बचेगा नहीं। अर्थात इस बिल्डिंग की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हाई है, जिसमें घुसना बिल्कुल नामुमकिन है। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता देना चाहूँगा, जो कि इसमें कहीं बताया नहीं गया है, परंतु फिर भी आपको बताना ज़रूरी है कि इस शख्स की शक्ल ध्रुव से मिलती जुलती है, लेकिन इस शख्स का नाम कॉमेट बताया जा रहा है। अभी ये मन में सोचता है कि कई महीनों से मैं सरवाइव कर रहा हूँ अपने सवालों से, अपने विचारों से, अपने दुःस्वप्नों से। तब वह इन्फॉर्मर इस शख्स को रिप्लाई करता है, मेरा काम ख़त्म हुआ, ऑपरेशन बेबी डॉल की सफलता अब तुम पर निर्भर करती है, हम लोग संपर्क में रहेंगे। कॉमेट उसको कहता है कि तुम सिर्फ क्रेडिट लेने का काम करोगी, शट अप। अब पता चलता है कि कॉमेट से जो बात कर रही है वो एक लड़की है, और वो उससे रिप्लाई कर रही है कि जैसे ही तुम्हें सिग्नल की ज़रूरत पड़ेगी तो तुम जैसे ही तुम्हें बैकअप की ज़रूरत पड़ेगी तुम सिग्नल भेज देना, तभी हम मदद के लिए आ जाएंगे। और इसके बाद कॉमेट अपने मिशन पर निकल पड़ता है, जिसमें कि उसके पास बाइक होती है, और वो सीधी सी बात है, वो बच्ची को बचाने जा रहा होता है। इसके बाद हमको बिल्डिंग के अंदर का दृश्य दिखा जाता है, जहाँ पर गुंडे लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि उधर से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है और हमारा समय जाया हो रहा है। तब एक गुंडा कहता है कि रिलैक्स, उनके पास हमारी मांग पूरी करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, देर सवेर उनका। तभी एक उनमें से एक गुंडे को बाइक की चुरुम चुरुम की आवाज़ आती है, चुरुम चुरुम। तब एक अगला गुंडा उन्हें आश्वस्त करता है कि हम 32वीं मंजिल पर है जॉन,
और बाइक सड़क पर चलती है, तुम्हारे कान बज रहे हैं। तभी वह शख्स देखता है कि ऊपर से एक शख्स बिल्डिंग से बाइक कुदाकर लेके आ रहा है। तभी सब उसको सावधान करते हैं कि यह आत्महत्या करना चाहता है, यह इस बाइक से अब बचेगा नहीं। परंतु एक गुंडा चिल्लाता है कि नहीं, यह आत्महत्या नहीं, कुछ और करना चाहता है। और तब वह शख्स एक धमाकेदार एंट्री लेता है। तब वह लड़की जो उधर फोन पर कनेक्टेड होती है, वह कॉमेट को आगाह करती है कि तुम बहुत खतरनाक रिस्क ले रहे हो। लेकिन उनकी मजाक मस्ती चलती रहती है और इसी बीच यह एंट्री कर चुका होता है। संजय गुप्ता पेश करते हैं, राज कॉमिक्स है, मेरा जुनून, कोड नेम कॉमेट, सिटी विदाउट अ हीरो सीरीज। तब एक गुंडा आदेश देता है, खत्म कर दो इसे। तब दूसरा गुंडा कहता है, तुम्हें क्या लग रहा है, हम इसके अवगत कर रहे हैं, ऑर्डर्स देना बंद करो और हमारी मदद करो। तब कॉमेट बोलता है, बाय द वे नाइस मूव। तब कॉमेट बोलता है, कम ऑन, तुम मुझे देख नहीं सकती। कॉमेट सोचता है कि यह जो आवाज है, यह मेरी हर मिशन में सहायता करती है, परंतु यह मुझे परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती, परंतु मुझे इस आवाज की आदत हो गई है। इन्हीं बातों के बीच यह कॉमेट सभी गुंडों को धराशायी कर चुका है और आखिरी गुंडे से सवाल करता है, बच्ची कहाँ है? तब वह रिप्लाई करता है, मुझे नहीं पता। तब कॉमेट एक दरवाजा तोड़ते हुए एक कमरे में पहुंच जाता है, जहां पर उसको वह बच्ची मिल जाती है जिसे वह बचाने आया है। उस लड़की का नाम रेचल होता है, जिसके डैड ने कॉमेट को यहाँ भेजा होता है, और वह कॉमेट उन्हीं के डैड के कहने पर यहाँ आया होता है। लेकिन तभी पीछे से कोई गुंडा आ जाता है और कॉमेट को धमकाते हुए कहता है कि अगर तुम यहाँ से बाहर गए तो यहाँ से सिर्फ तुम्हारी लाश जाएगी, बच्ची को हम अपने कब्जे में ले लेंगे। तब कॉमेट गुंडों से घिर जाता है और वो कहता है कि मुझे हॉट डॉग चाहिए। सभी को लगता है कि वह हॉट डॉग खाने के लिए मांग रहा है, परंतु यह उनका मिशन कोड होता है, जिस कोड नेम से बैकअप टीम आ जाती है। और बैकअप टीम में वही लड़की आती है जो कि कॉमेट से फ़ोन पर बात कर रही होती है, उसका नाम हमें पता चलता है कि मिशा है। और यही लड़की कॉमेट से फ़ोन पर बात कर रही होती है, तब पता चलता है हमें कि यह हॉट डॉग इनका कोड वर्ड था बैकअप टीम बुलाने के लिए। और इस प्रकार वह लड़की कॉमेट को और बच्ची को बचा लेती है। तब कॉमेट और मिशा दोनों यहाँ से निकलने का फैसला करते हैं। तभी एक गुंडा जाग जाता है और कोई बटन दबा देता है और कहता है, इस बच्ची के साथ अब तुम सब भी मरोगे। तब मिशा बोलती है, लगता है इसने कोई बॉम्ब एक्टिवेट कर दिया है, हमें बॉम्ब को खोजकर उसे डिफ्यूज करना होगा। तब कॉमेट समझाता है कि हमारे पास इतना समय नहीं है, हमें यहाँ से बच्ची को लेकर निकलना होगा। तब मिशा कहती है, हमारे पास कोई टीम नहीं है, हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? तब कॉमेट कहता है, तुम वह मुझ पर छोड़ दो। और अगले सीन में हम देखते हैं कि कॉमेट मिशा और बच्ची को लेकर बाइक पर स्टंट दिखाते हुए बाहर निकल जाता है, जिसमें मिशा को बहुत डर लगता है, परंतु वे सेफली जमीन पर लैंड कर जाते हैं। उसके कुछ देर बाद एक हेडक्वार्टर दिखाया जाता है जो कि एम्स्टरडम में है और इसका नाम है फोनिक्स हेडक्वार्टर, जहां पर हमें वह आदमी दिखाया जाता है जिसकी बच्ची किडनैप थी। और मिशा और कॉमेट लोगों को सावधान कर रहे होते हैं कि बिल्डिंग में बम है, कोई भी बिल्डिंग के पास ना जाने पाए। तब मिशा कहती है कि यह बम, पता नहीं कॉमेट वहाँ कोई बम था भी या नहीं। तब कॉमेट कहता है, नहीं, उस आतंकी की चेतावनी कोई धमकी नहीं थी, बम तो था या कहे कि है, उसके ना फटने का कारण कोई तकनीकी खराबी हो सकती है या फिर। तभी
कॉमेट चुप हो जाता है क्योंकि वह बच्ची बोल रही होती है। वे लोग बहुत गंदे थे डैडी, उन्होंने हमारा डैडी छीन लिया था और उसे खाना भी नहीं खिलाया। कॉमेट समझ जाता है कि बॉम्ब वो अपने साथ ले आए और वो उस डैडी में है। तभी कॉमेट उस डैडी को बच्ची के हाथ से छीन कर फेंक देता है और बम तभी मौके पर फट जाता है। इस प्रकार वह फिर से बच्ची और उसके पिताजी और सभी की जान बचा लेता है। तब मेयर कॉमेट को धन्यवाद करता है, कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा धन्यवाद किस तरह अदा करूं। तब कॉमेट उसको कहता है इट्स ओके मिस्टर मेयर, मैंने वही किया जो मुझे मेरे फर्ज के चलते करना चाहिए था। तब मेयर उसको थैंक यू कहते हुए चला जाता है। इस प्रकार मेयर अपनी बच्ची को लेकर वहाँ से चला जाता है और उसको एक मूवी दिखाने का और आइसक्रीम खिलाने का वादा करता है। और कॉमेट और मिसा आपस में बातें करते हैं। मिसा पूछती है कॉमेट तुम कहाँ खो गए? तब कॉमेट जवाब देता है कहीं नहीं, तुमने देखा कितने खुश हैं रेचल और उसके पिता एक दूसरे को साथ पाकर। इस तरह के दृश्य मुझे अंदर तक विचलित कर देते हैं, मेरे अस्तित्व के बारे में सोचने पर मजबूर कर देते हैं और यह सोचे कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ती। इस प्रकार हमें पता चलता है कि कॉमेट परेशान है अपने अतीत को जानने के लिए और वह हर पल यह जानना चाहता है कि उसका पास्ट क्या है, लेकिन वह जान नहीं पाता है क्योंकि उसे केवल अपने वर्तमान कार्य के अलावा कुछ पता नहीं होता है। और मिसा उसको इस स्थिति से बचाए रखने की भरपूर कोशिश करती है। इसके बाद अगला दृश्य हमें दिखा जाता है राजनगर, जहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बैठी हुई एक लड़की है जो कि श्वेता है और वह इंतजार कर रही है अपने भैया ध्रुव का या उसके पापा राजन मेहरा का कि वो उसको एयरपोर्ट पर लेने आएंगे। उसके मन बातें करने से हमें पता चलता है कि वो अपनी एजुकेशन पूरी करके आज एयरपोर्ट पर वापस आई है। और तभी वो देखती है कि वहाँ पर एक दूसरी लड़की बैठी है जो कि रिचा होती है और इस प्रकार श्वेता रिचा को एयरपोर्ट पर मिलती है। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। तब श्वेता समझती है कि रिचा को ध्रुव ने भेजा है श्वेता को लाने के लिए, परंतु रिचा बताती है रिचा ध्रुव के बारे में कुछ बताना चाहती है, लेकिन श्वेता उसकी बात बीच में काटकर मजाक मस्ती करती है। और हमें पता चलता है कि श्वेता आज पूरे 7 महीने बाद आई है जो कि प्रोजेक्ट के चलते कहीं बाहर कंट्री में थी और आज 7 महीने बाद वापस आई है, परंतु ध्रुव उसको एयरपोर्ट पर लेने नहीं आया। तभी हम देखते हैं कि रिचा श्वेता को ध्रुव के बारे में कुछ बताना चाहती है, परंतु श्वेता अपने वापस आने में इतनी खुशी होती है कि अपनी बातों में रिचा की बात ही नहीं सुन पाती। तब उसे पता चलता है कि रिचा उसे लेने नहीं आई थी बल्कि वो खुद ही यह जगह छोड़कर जा रही है, वो एम्स्टरडेम जा रही है और 10 मिनट बाद उसकी फ्लाइट है और वो दोनों अचानक से ही एयरपोर्ट पर मिले थे। तब रिचा श्वेता को बताती है कि उसे एम्स्टरडेम से एक जॉब के लिए ऑफर आया है जिसके लिए वो एम्स्टरडेम जा रही है जहाँ उसे 2 दिन बाद ज्वाइन करना है। और तब कहती है रिचा कि यहाँ पर अब उसके रहने की कोई वजह नहीं है। तब श्वेता को लगता है कि ध्रुव ने रिचा का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया है। मैं यहाँ पाठकों को बता देना चाहता हूँ कि रिचा ध्रुव से प्यार करती थी, परंतु ध्रुव रिचा को पसंद नहीं करता था क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड नताशा है। तो श्वेता को लगता है कि रिचा को ध्रुव ने मना कर दिया है, इसीलिए वह रूट कर एम्स्टरडेम जा रही है जॉब के लिए। और फिर रिचा वहाँ से चली जाती है और श्वेता अकेली रह जाती है इंतजार करते हुए कि उसके पापा या ध्रुव दोनों में से कोई उसको लेने आएगा। इधर रिचा अपने ख्यालों में खो जाती है और उसको वह दिन याद आता है जब उसने ध्रुव को इस जॉब के लिए बताया था
और बताया था कि उसको इस जॉब के लिए एम्स्टर्डम जाना है। तब हम देखते हैं अगला दृश्य जो कि रिचा की यादों में है, कमांडो हेडक्वार्टर, कुछ महीने पहले का दृश्य है, जब ध्रुव रिचा को समझा रहा होता है कि तुम्हारे लिए यहाँ कुछ नहीं है, तुम्हें इस जॉब पर चला जाना चाहिए। परंतु रिचा उसे मना कर रही होती है कि नहीं, वह यहाँ से नहीं जाएगी, वह ध्रुव से प्यार करती है और वह उसके लिए कोई भी जॉब या कुछ भी छोड़ सकती है। वह राजन अंकल, रजनी आंटी, श्वेता और ध्रुव को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती, परंतु ध्रुव उसे समझा रहा होता है कि उसे जॉब पर चले जाना चाहिए।